हेलो दोस्तों, तो आप मुझे जानते ही होंगे। गॉड यू के पे मैं दीपक बिष्ट हूँ और आए दिनों मैं यूट्यूब पे गॉड यू के चैनल से वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो रिसेंटली अभी हमने एक होली टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी, टाइप्स ऑफ होली बाज। तो 5 डेज में उसमें कम से कम 50K व्यू आ गए थे, तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। सब खुश थे इस बात को लेकर, टीम वर्क अच्छा हुआ था तो सब लोग इस बात को लेकर खुश थे। बट रिसेंटली अभी आज की डेट पे और कल की डेट, पिछले 2 दिनों पे इस पर थोड़ा कुछ ऐसा हुआ है कि व्यूज़ थोड़े कम हो गए। तो मैंने एक सर से बात करी जिससे उनने बोला कि वन टैप व्यूज़ होते हैं तो वो कट हो गए, बट ऐसा कुछ नहीं था। अभी स्क्रीनशॉट देखोगे आप, मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको कि 5 डेज में 50K। और आज जस्ट सुबह मैं जब उठा रिसेंटली, मैंने देखा कि 35K हो गया है और व्यूज़ कम हो गए हैं। तो फिर उसके बाद काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया। मैंने अपने व्हाट्सएप पे लिखा कि यार काफ़ी बुरा फील हुआ, पहली बार कुछ अच्छा हुआ था हमारे साथ और अभी फिर उसके बाद एकदम ही ये हो गया। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा जो मेरे साथ के यूट्यूबर दोस्त हैं बाकी, उनसे पूछा तो उनने बोला कि मे बी ऐसा कुछ नहीं होता, इतने ज़्यादा व्यूज़ घटने का कोई वो नहीं है, या तो तुमने कोई गलत कंटेंट बनाया होता है या कुछ ऐसा किसी से हर्ट करने वाला, मतलब किसी धर्म जाति से रिलेटेड कोई वीडियो होता। बट ऐसा कुछ नहीं था, मैंने नॉर्मली वीडियो बनाया था और उस पर ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग देख सकते हो। और प्रीवियस वीडियोज़ पर भी ऐसा कुछ हो जिससे हमें ऐसा कुछ मिले यूट्यूब से, तो यूट्यूब से हमें एक मेल तो मिला बट उसका हमें समझ नहीं आ रहा वो हो क्या रहा है। और इस वीडियो पे ऐसा कुछ है नहीं जिससे मतलब कि हम किसी को गलत मैसेज दे रहे हैं। हम अपने चैनल पे हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज ही देते हैं, बट इस बार पता नहीं अचानक ही व्यू इतने सारे आ गए तो हमें मतलब खुशी इतनी ज़्यादा हुई। हर मिनट वीडियो का स्टेटस लगा रहा था कि इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने आज इतने हो गए। तो 5 डेज में हमारे टोटल मिला के 50K हो गए थे। फिर उसके बाद थोड़े व्यूज़ भी घटे, तो हमें एक सर है, हमारी बात हुई जो यूट्यूब चलाते हैं, तो उनने बोला कि वो वन टैप वन क्लिकेबल होंगे तो इसलिए यूट्यूब ने वो हटा दिया होगा। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आज के डेट पे 15K व्यूज़ मेरे घट चुके हैं, तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया था, जिससे मैंने सोचा कि अब यूट्यूब मैं बंद ही कर दूँ। पर समझ नहीं आ रहा है दोस्तों मैं क्या करूं, क्योंकि रोज़ अब क्या पता कल सुबह मैं फिर उठूं और उसके बाद अभी नींद भी नहीं आ रही मुझे, तो कल सुबह उठूं और फिर देखूं फिर व्यूज़ डिक्रीज़ हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा यूट्यूब से। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो एक बार इस वीडियो को मतलब आप थोड़ा आगे बढ़ाएं और मतलब अपने कुछ ऐसे स्टेटस वगैरह पे लगाएं जिससे मतलब मेरी हेल्प हो सके, और हैशटैग लगाएं ट्विटर पे डाके कि गॉड यू के हेल्प, गॉड यू के हेल्प, गॉड यू के करके अगर एक हैशटैग है उसको आप यूज़ कीजिए, और क्या पता यूट्यूब मेरी बात सुन ले या कोई बड़ा क्रिएटर जिससे मतलब मेरा कांटेक्ट हो जाए जिससे वो मेरी बात सुन ले ये कि हमारे साथ जो गलत स्पैम हो रहा है, ये मतलब कैसे व्यूज़ डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहा है इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो गया इस चीज़ को देख के, मैं देख रहा था सुबह से लगे बड़ा, मेरे समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक हो क्या गया। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, ये व्यूज़ कम क्यों हो रहे हैं। अब उन्हें क्या बताऊँ, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है, बस व्यूज़ कम हो रहे हैं, 2 दिन से लगातार ऐसे ही हो रहा है। इंस्टीमेट व्यूज़ का मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, इंस्टीमेट व्यूज़ भी 60+ के हैं, मतलब मेरे अभी जो व्यू आने वाले हैं वो अगर यूट्यूब दिखा देता है इंस्टीमेट व्यूज़ की तरीके से तो वो 65K है, लेकिन इम्प्रेशन भी अच्छे हैं, 65K इम्प्रेशन है। अभी इसी वीडियो पे 10,000 से ऊपर इम्प्रेशन है, बट पता नहीं क्या हुआ है, अनफॉर्चुनेटली वीडियो डिक्रीज कर रहे हैं, डाउन हो रहा है, पहले स्पीड से बूस्ट हो रही थी अब वही वीडियो नीचे डाउन हो रही है, जिससे मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करना क्या चाहिए। मैंने अगर मैं यूट्यूब बंद कर दूँ तो फिर लोग कह रहे हैं कि भाई बंद क्यों कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छे कंटेंट बनाते हो। अगर आपको लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ और आपको मेरे कंटेंट में कोई भी दिक्कत नहीं लगती है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, और कुछ ऐसा मतलब ट्विटर पे जाके ट्वीट करें हेल्प, ट्विटर पे हैशटैग लगाएं अब हेल्प गॉड यू के करके। तो मैं यही कहूँगा कि आप जितनी मेरी हेल्प कर सके कीजिए अगर आपसे हो पाता है तो, बट मुझे पता नहीं था कि कभी आपके सामने आके मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा। और गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड डिप्रेस्ड हूँ इस बात को लेके कि मैं पहली बार मुझे ऐसा लगा कि आगे हम कुछ कर सकते हैं और अच्छा हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। तो
फाइनली यही कहूँगा कि आप अगर कुछ हेल्प कर सके तो मेरी हेल्प कीजिए। अगर किसी को कुछ भी पता हो इससे रिलेटेड कि मुझे क्या करना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और थैंक यू।